हेलो फ्रेंड, मैं हूं विवाकर सिंह और आप देख रहे हैं नेट सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आपको आज मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि सीएससी ने जो है वीएलई का कमीशन बढ़ा दिया है। जी हां, सीएससी पोर्टल पे पहले आप रिचार्ज करते थे तो ना के बराबर कमीशन आ रहा था, जिससे कि लगभग सीएससी वीएलई भूल चुके थे कि रिचार्ज भी कोई चीज़ होता है। तो आज मैंने ये ट्राई किया बहुत दिन के बाद, जो कि टाटा स्काई में मैंने 194 का रिचार्ज किया, जिसमें कि मुझे 4 रुपये का कमीशन मिला। ठीक है, 4 से ज़्यादा का ही कमीशन मिला। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने देखिए, यहाँ पे मैं टेस्ट बोर्ड पे आ जाता हूँ और आपको यहाँ पे जो 4.43 रुपये दिख रहा है आपको, इसमें मेरा पहले कुछ पैसे थे, मैं ध्यान नहीं दिया था कितना था। तो देखिए यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है 194 का मैंने रिचार्ज किया और 190 यानी 4 रुपये का जो कमीशन है मुझे 190 में ही मिल गया, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और ये जो हुआ था वो रिचार्ज हुआ था। ठीक है, रिचार्ज मैंने किया था और रिचार्ज में जो है सो 194 में 190 मात्र कटा। यहाँ पे मैंने टॉपअप भी किया था, देखिए टॉपअप का हिस्ट्री अगर दिख जाता है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको रिचार्ज का मालूम नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ जब रिचार्ज में आप आते हैं तो रिचार्ज में आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए डीटीएच का मिल जाता है ऑप्शन। डीटीएच में मैं आया था और यहाँ पे टाटा स्काई मैंने सेलेक्ट किया था और टाटा स्काई में यहाँ पे सब्सक्राइबर आईडी उनका दिया था और अमाउंट 194 डाला था और यहाँ पे मैंने वॉलेट पिन डाल के सबमिट किया था। तो एक बार तो कुछ एरर आया था, फिर दोबारा मैंने किया था। तो ये पहले क्या होता था कि कट जाने के बाद दिखाता था फेल्ड और पेमेंट हो जाता था, तो कन्फ्यूज होता था वीएलई फेल हुआ है क्या हुआ है नहीं हुआ है। वैसे पेमेंट कट जाने के बाद वीएलई पेमेंट ले लेता था कस्टमर से, लेकिन अब ऐसा एरर नहीं है। सर्वर बिजी रहने के कारण वो फेल बताएगा आपको, मतलब वो प्रोसेस होगा ही नहीं। फिर से जब वॉलेट चेक करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, जब सक्सेसफुल रिचार्ज होगा उसके बाद ही पैसा ये आपका कटेगा। तो दोस्तों, अच्छी कमीशन देना स्टार्ट कर दिया सीएससी ने, और आप अगर अभी तक यदि रिचार्ज से पीछे हट रहे हैं कि कमीशन कैसा देगा नहीं देगा, तो मैं ये आपको अच्छा न्यूज़ दिया। और ये इन्फॉर्मेशन आपको नेट सॉल्यूशन चैनल के द्वारा मिल रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको कोई भी सीएससी रिलेटेड वीडियो देखना होता है तो आप जैसे ही नेट सॉल्यूशन सर्च करते हैं, नेट सॉल्यूशन सर्च करते ही आपको इस तरह का लोगो आ जाता है और लोगो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आ जाता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, आपको मैंने लाइव दिखा दिया। यहाँ पे चलिए मैं आपको अपने डैशबोर्ड पर ला के दिखा दूँ। चलिए मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। 194 का मैंने रिचार्ज किया, जिसमें कि मेरा 190 यानी कि 4 रुपये का कमीशन मुझे 190 में मिल गया, जो कि अच्छी कमीशन है। तो अपना सीएससी का जो है ट्रांजेक्शन भी जारी रहेगा और ये मेरा जो वर्क है वो भी होता रहेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ। धन्यवाद।